करेक्ट ऑयल है, तो मैं बोलता हूँ आप कोकोनट ऑयल ट्राई करो, ये बहुत अच्छा ऑयल है। वैसे समग्र तो परफेक्ट है, उसमें काफी सारे हेयर ऑयल, हेयर से रिलेटेड उसके अंदर हमने एसेंशियल ऑयल, 12 एसेंशियल ऑयल एंड 12 जड़ी बूटियों का सिलेक्शन मैंने किया है, और वो लगभग सभी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है समग्र तेल। पर वो एक मेडिसिनल ऑयल है, आप चाहें तो रेगुलर यूज करें, आप चाहें तो वीक में एक बार यूज करें, लेकिन एक तेल है जो मैं कहता हूं कि आप प्री एंड पोस्ट वॉश में यूज करें। आप नहाने के पहले हल्के हल्के हाथों से अपने बालों के अंदर लगा सकते हैं कोकोनट ऑयल, और फिर आपने शावर लिया, शावर लेने के बाद आपने जो भी शैम्पू वैम्पू लगाया, वो शैम्पू सारा का सारा आपका क्लींज ऑफ हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके वापस से अपने शॉप में जो बालों के स्कैल्प में लगा दें, और बाकी बचा हुआ आप अपने बालों में लगा लें हेयर लेंथ में, तो इजीली कॉम्ब ऑफ हो जाएगा। तो आई हैव सीन, मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो बालों को धोते समय हेयर ऑयलिंग करते हैं और बालों को धोने के तुरंत बाद हल्का सा हेयर ऑयल करते हैं, उनके बाल, और खासतौर पे कोकोनट ऑयल जो कि केमिकल फ्री हो, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो, जो कि घरों में खुद बनाते हो लोग, ठीक है, कई बार नारियल कूट के भी लोग घरों में लगा बनाते हैं। मैं अभी साउथ इंडिया गया था, तो एक हमको डॉक्टर मिली थी वहां पर देवनगिरी में, उनके बहुत लंबे और बहुत प्यारे बाल थे, और मैं समझ गया था कि वो अपने बालों को कैसे मैनेज करती होंगी। तो आई आस्क्ड हर, वो मेरे साथ मन साझा कर रही थी, डॉक्टर हैं वो, हमारे प्रोग्राम में भी एक दिन आई थी आप, तो मैंने उनसे पूछा था मैडम आप अपने बालों का राज बताइए, तो उन्होंने जो बोला वो मुझे पता था क्या बोलेंगी, ठीक है, उन्होंने कहा हम जब अपने नारियल की चटनी बनाते हैं जिस दिन, तो नारियल तेंगा अखा नारियल लेके उसको कूटते हैं, और कूटने के बाद जो उसका बुरादा बन जाता है, उसकी चटनी बन जाती है, जो तेल बचता है उसका, वो मैं अपने बालों में नहाने के पहले और नहाने के बाद लगाती हूँ। मैं पिछले 40 साल से यही करती आ रही हूँ, और उनके बाल इतने लंबे और इतने प्यारे थे, एकदम मजबूत बाल थे उनके, अलग ही ग्लो कर था, जबकि उनकी काफी ज्यादा एज थी वो बाल, लेकिन उनके बहुत ब्यूटीफुल और ब्लैक थे। तो दिस इज बिकॉज शी हैज बीन यूजिंग कंटिन्यूअसली द कोकोनट ऑयल एंड करेक्टली। अभी क्या हो रहा है, लोग मिनरल ऑयल लगाते हैं, और बहुत सारा, इतना सारे तेल की जरूरत नहीं होती, वो कब लगाते हैं, रात में लगाते हैं, रात में लगा के घिस घिस के खूब सारा बालों में लगा देते हैं, और पूरा बालों को टाइट करके बांध लेते हैं, और सुबह उसको फिर शैम्पू से धोते हैं। मिनरल ऑयल पहले केमिकल, और फिर उसके बाद शैम्पू, वो भी इतने सारे केमिकल, तो बाल क्यों नहीं हमारा साथ छोड़ेंगे। नाउ वी शुड रीड फॉर द इंग्लिश।